नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक नई पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनाई जाती है। एक नई पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है। तो अगर आप भी अपने देश को, अपने राज्य को एक नया, जनता के सामने एक नया राजनीतिक विकल्प देना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना। अगर आप देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, देश को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इसका सबसे उत्तम तरीका एक नया राजनीतिक विकल्प तैयार करना ही है। हमारे देश में जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां होंगी उतना ही डेमोक्रेसी मजबूत होगी। जितना देश में विपक्ष मजबूत होगा उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा। तो आज के इस वीडियो में आइए हम शुरू करते हैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, यदि आपको एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो आपको कम से कम 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कम से कम 100 लोगों की, ऐसे 100 लोग जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी आयु 18 साल से ज्यादा है और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है। तो ऐसे 100 लोगों को आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अनुसार संगठित करें, इनको एक दिन एक जगह बुलाएं और अपनी पार्टी का संविधान बनाएं, पार्टी के बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्रूव कराएं गवर्निंग बॉडी में। यहां से आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हो जाता है। अब इस पॉलिटिकल पार्टी को आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड न्यू दिल्ली के पास आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे देश में सभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो रेगुलेटर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सभी पार्टीज को रिकॉग्नाइज अथवा डी रिकॉग्नाइज रजिस्टर करता है, स्टेट पार्टीज, नेशनल पार्टीज का दर्जा देता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये जो आपने प्रस्ताव पास किया है नई पॉलिटिकल पार्टी को बनाने का, इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विद ए प्रेस्क्राइब्ड एंड मेटिकुलस चेकलिस्ट के साथ आपको पेश होना है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बाय हैंड भी जमा करा सकते हैं और आप इसे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो 100 लोगों को आपने संगठित किया। अब इन 100 लोगों से आप एक एफिडेविट लेंगे। सबसे पहले हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है एज पर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। सो सेक्शन 29A को भी आपको पढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे मांगता है आपके नई पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करते समय। तो नंबर एक, सबसे पहले आपकी पार्टी का संविधान, आपकी पार्टी के बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नंबर एक। नंबर दो, एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करते समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे लगभग कम से कम 125 नोटराइज्ड एफिडेविट्स मांगता है। आइए इसके कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले जो आपकी पार्टी के 100 सदस्य हैं, एटलीस्ट 100 मेंबर्स हु हैव अग्रीड टू फॉर्म दिस पॉलिटिकल पार्टी, ये सभी 100 मेंबर्स अपना अपना एफिडेविट देंगे कि उनका नाम क्या है, पता क्या है, उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर क्या है और वो फिलहाल किसी दूसरे राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। ये इन 100 लोगों को अपना अपना एफिडेविट देना है। इसके बाद आपकी नई पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर होने जा रही है, इसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो भी इसके ऑफिस बियरर्स हैं, उनको भी कई प्रकार के एफिडेविट देने हैं। जैसे कि नंबर एक, सबसे पहला एफिडेविट इन चारों लोगों को देना है कि इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले तो नहीं चल रहे हैं, यदि चल रहे हैं तो उनके डिटेल्स क्या है। नंबर दो, इन चारों लोगों को
एक और एफिडेविट देना है, अपने पैन कार्ड की कॉपीज देनी है, अपने पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपी देनी है, इनके नाम में कितनी चल अचल संपत्ति है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज इनके नाम में और इनके रिलेटिव्स के नाम में, जो इनकी फैमिली ट्री है, जो इन पे डिपेंडेंट हैं, उनकी उनके नाम में भी कितनी मूवेबल कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको एक नोटराइज्ड एफिडेविट पे इन चारों लोगों को देना है। इसके बाद जो पार्टी का प्रेसिडेंट है या पार्टी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जनरल सेक्रेटरी है या प्रेसिडेंट है, इसे एक और एग्जॉस्टिव एफिडेविट देना है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही लगाए गए हैं। जिस प्रिमाइसिस पे इस पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जिस राज्य में, जिस व्यक्ति के घर के एड्रेस पर अथवा किसी भी अन्य एड्रेस पे इस पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस रखा गया है, उसके लैंडलॉर्ड से एक NOC स्टैम्प पेपर पर नोटराइज ली जाएगी कि उससे इस प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि यहां एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस चल रहा है यहां से, नंबर एक। इसके साथ उसे इस प्रॉपर्टी की कोई टेंजिबल डॉक्यूमेंट भी देना है, जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जहां पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर किया गया है, फॉर एग्जांपल बिजली का बिल, सेल डीड, कोई हाउस टैक्स की रसीद वगैरह। अब हम एक और बात करते हैं, जहां इस पॉलिटिकल पार्टी का ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर किया गया है, जो ये रजिस्टर्ड ऑफिस रखा गया है, इसकी लोकल म्यूनिसिपैलिटी से भी आपको एक NOC अरेंज करना है कि इस प्रीमाइसिस पर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस रखे जाने से कोई प्रोहिबिशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आम जनों को, तो इस प्रकार की भी एक NOC आपको लोकल म्यूनिसिपैलिटी से लेनी है। एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करते समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे 10,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस भी लेता है। ये प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल है। यदि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इसे आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो 10,000 रुपए की फीस, प्रोसेसिंग फीस, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट से देंगे, पेएबल एट न्यू दिल्ली। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करते समय कैटेगोरिकली बहुत ध्यान से कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस चेक करता है आपके पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में। सो पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही प्रोफेशनल, एक बहुत ही साइंटिफिक, एक बहुत ही मेटिकुलस प्रोसेस है। इसे आप खुद से बिल्कुल न करें। सो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेक करता है पार्टी के संविधान में, पार्टी के बायलॉज में? सबसे पहले, सबसे बेसिक पॉइंट वो ये है, सेक्शन 29A सब सेक्शन 5 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर होंगी, उनको अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में साफ साफ लिखना है कि ये पॉलिटिकल पार्टी भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा रखेगी और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इसको बनाए रखेगी और आखिरी में भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्य रखेगी। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी रजिस्टर होने जा रही पॉलिटिकल पार्टी को अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने बायलॉज में ये स्पेसिफिक क्लॉज लिखना ही होगा। यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को सेक्शन 29 सब सेक्शन 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे यह भी चेक करता है कि आपके क्लॉजेज में, कि जो आपने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होगी, कैसे ऑफिस बीरर्स के समय समय पर चुनाव होंगे और जो कमेटियां हैं, बोर्ड्स हैं, उनमें कितनी डेमोक्रेसी होगी, इसको चेक किया जाए। उसमें इलेक्शन समय समय पर कब करवाया जाएगा, यदि करवाया जाएगा तो। नेक्स्ट, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को लेके
किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 साल से ज्यादा है, जो पहले से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा है, उसे आपकी पार्टी का सदस्य बनने से रोका नहीं जा सकता। द मेंबरशिप शुड बी ओपन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये पॉइंट चेक किया जाता है। इसके अलावा एक सबसे मोस्ट स्पेसिफिक क्लॉज कि जो पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है, द प्रपोज्ड पॉलिटिकल पार्टी, इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना है कि आप कभी भी किसी प्रकार की वायलेंस को प्रमोट नहीं करेंगे, इंस्टिगेट नहीं करेंगे, ना इसमें आप कोई भागीदारी लेंगे। आप एक शांतिपूर्वक तरीके से जो भी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इसे आप आगे बढ़ाएंगे, जनता आप में अपना विश्वास जाहिर करेगी, तो इसके लिए आप वायलेंस का कभी कोई सहारा नहीं लेंगे, ये आपको अपनी पार्टी के संविधान में लिखना है। और आखिरी में जो भी आपकी पार्टी में जो ये जो संविधान पास किया गया है या इसमें जो अमेंडमेंट्स की जाएंगी उसको हमेशा जनरल बॉडी मीटिंग में ही अमेंड किया जाएगा, जनरल बॉडी मीटिंग ही इसको पास करेगी। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करते समय जो स्पेसिफिक क्लॉजेस हैं इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज केवल कागजों में नहीं बननी चाहिए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपकी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया है तो इसके बाद अगले 5 सालों के अंदर अंदर जो भी आपके राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं या जो भी जनरल इलेक्शन देश में हो रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी इन चुनावों को कंटेस्ट करेगी। और यदि एक पॉलिटिकल पार्टी लगातार 6 सालों तक कोई चुनाव कंटेस्ट नहीं करती है तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काट भी सकता है अपने रजिस्टर में से। तो ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स, इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा करा देंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस भी आजकल साफ साफ देते हैं। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है ये काफी फास्ट हो गया है। समय समय पे आप इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ट्रैक कर सकते हैं। आपको समय समय पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SMS के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू भी आपको नोटिफाई करता रहता है कि आपके द्वारा फाइल की गई एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे कहेगा कि आप कम से कम 2 दिन 2 अलग अलग अखबारों में, यानी कि कुल 8 आप क्लासिफाइड्स पब्लिश करवाएंगे, 2 दिन 2 अलग अलग अखबारों में, एक नेशनल न्यूज़पेपर में, एक रीजनल लैंग्वेज में, कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी का जन्म होने जा रहा है, ये उसके ऑफिस बियरर हैं। यदि किसी व्यक्ति को इस नई बनने जा रही पॉलिटिकल पार्टी पर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो अगले 30 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कर सकता है कि आपको इस तरह से ऑब्जेक्शन है इस पार्टी के बनने पर। तो 2 दिन आप 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, एक नेशनल न्यूज़पेपर, एक लोकल न्यूज़पेपर में आप ये क्लासिफाइड पब्लिश करवाएंगे और इसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी देंगे। और यदि अगले 30 दिन तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी एप्लीकेशन पर आगे बढ़ता है और जो भी उसको अपने जो ऑफिस बीयरर्स हैं, जो पार्टी के दूसरे सदस्य हैं, इनकी उसे कोई इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, क्रिमिनल बैकग्राउंड्स चेक करने हैं, वो चेक करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट करता है जो कि बाय पोस्ट आपको दिया जाता है। तो ये है पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस। अब हम इसी वीडियो में एक और पॉइंट भी डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम टैक्स की क्या लायबिलिटी है, क्या इनकम टैक्स पे करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज को। सो सेक्शन 13A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट क्लियरली सेज
इट क्लियरली स्टेट्स कि पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम होती है वो टैक्स एग्जम्प्ट होती है, लेकिन जो ये एग्जम्पशन है ये एब्सोल्यूट नहीं है। दिस एग्जम्पशन इज सब्जेक्ट टू यू नो दिस एग्जम्पशन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। एक पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एग्जम्पशन लेने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है। नंबर वन, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवाना होगा। पॉलिटिकल पार्टी 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन नकद नहीं ले सकती है, तो आपको यह इंश्योर करना है 2000 रुपए की नकद सीमा है डोनेशन रिसीव करने की पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। इसके बाद कोई भी डोनेशन है वो आप अदर देन कैश, चेक, RTGS, गूगल पे, नेट बैंकिंग इस फैसिलिटी से लेंगे। अगली बात, कोई भी व्यक्ति जिसने आपकी पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 रुपए से ज्यादा की डोनेशन दी है तो उसका नाम, पता, पैन नंबर, इसे आप रिकॉर्ड करेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी एनुअल रिपोर्ट सौंपनी है। अगर आप ये एनुअल रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी टोटल इनकम पे कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं देगा। और आखिरी में, एक पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स एग्जम्पशन देने के लिए एक शर्त यह भी है कि आपको अपनी टैक्स रिटर्न भरनी है। यदि एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेगी तो वो एग्जम्पशन का भी उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और उसके टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर, ये जो दान इकट्ठे किए हैं, वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूशंस, डोनेशंस इकट्ठी की गई हैं, आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई है, मैक्सिमम देखा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज अपने इनकम टैक्स जो उसका TDS कटा है उसका रिफंड ही मिलता है। लेकिन यदि आप इनकम टैक्स की इन पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे, रिटर्न फाइल करने में कोई चूक कर देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे, तो इस टैक्स एग्जम्पशन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। सो यू नीड टू मेक श्योर ऑल दीज पॉइंट्स आर एडहेयर टू। सो ये पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर मैंने आपके सामने बताया कि क्या प्रोसेस है पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने का। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद सही समय आने पर, उचित समय आने पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर आप एक स्टेट पार्टी बनते हैं, फिर आप एक नेशनल पार्टी बनते हैं, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस बदलाव के लिए आपने ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी वो बदलाव आप सचमुच में देश की जनता के सामने रख पाएंगे। देश की सेवा करने का, देश की जनता की सेवा करने का, 142 करोड़ लोगों की सेवा करने का सबसे उत्तम मार्ग राजनीतिक पार्टी है, राजनीति है। राजनीति से ही आप एक बहुत बड़ा बदलाव अपने देश में ला सकते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे जरूर लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी बातों का जवाब देने में। और आप अपने इस सपने को जल्द से जल्द पूरा करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू।